आज जितना भी पढ़ रहे हैं, देखिए इस चैप्टर में क्या है, बहुत बड़ा सा चैप्टर है, ठीक है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं इसमें और सब इजी इजी टॉपिक है, कोई टॉपिक में इतना ज्यादा जो है परेशानी नहीं है, ठीक है। बस बड़ा सा चैप्टर है, लेंदी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें इसमें हर जगह पे सीखने को मिल जाती है, ठीक है। तो हम इसको पहले इसका जो थ्योरी को समझने के लिए इस फिगर को समझते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका ग्लास प्लेट, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दो लेयर और ये भी एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, समझ गए। दो ग्लास प्लेट्स के बीच में एक लिक्विड का हमने क्या किया है, कोई ऑयल या कोई लिक्विड जो है उसको हमने डाल रख दिया है, क्या समझे बात। दो ग्लास प्लेट्स हैं, उस दोनों ग्लास प्लेट्स के बीच में लिक्विड है। ध्यान से सुनिएगा, आपको इंटरेक्ट करना है और रिस्पॉन्ड करना है आंसर्स को। तो इस ग्लास प्लेट के बीच में जो लिक्विड है, इसमें हमने क्या किया, इस वाले प्लेट को फिक्स कर दिया, ठीक है, दिस प्लेट इज फिक्स्ड, ओके। और ये जो प्लेट है इसको हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, इस फिक्स्ड प्लेट और लिक्विड सरफेस के ऊपर इसको मूव करा रहे हैं, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन कीजिएगा, अभी लिक्विड ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला सिचुएशन ये नहीं है, ठीक है। अभी आपको मैंने क्या बोला, लिक्विड का सिचुएशन क्या है, लिक्विड आपको बिल्कुल इस तरह से रेक्टेंगुलर पोर्शन में ऐसे है, मतलब होगा तो क्यूबॉइड, आप उसको समझ सकते हैं, ऐसे है लिक्विड पूरा भरा हुआ। तो अगर आप इस प्लेट को आगे की तरफ यहाँ पे पकड़ के अगर इसको फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए सर। जिसमें मतलब वाटर स्टोर है ना, वाटर स्टोर नहीं है, कोई दूसरा लिक्विड, कोई जरूरी नहीं कि वाटर ही हो, मतलब जिसमें लिक्विड स्टोर है ना उसका पोजीशन चेंज होगा। हाँ, ये जो यहाँ पर जो लिक्विड है, ठीक है, वो लिक्विड जो है अब ये वाला लिक्विड थोड़ा सा मूव करेगा, ठीक है। अब ये बताइए, ये सारे लिक्विड के लेयर्स होंगे, ठीक है, ये सब लिक्विड के क्या है, लेयर्स है। तो सबसे ज्यादा जो है कौन मूव करेगा, या सारा इक्वल वेलोसिटी से, मतलब सबका जो है क्या बोलते हैं, सब इक्वली मूव करेगा, या इक्वली मूव का मतलब वेलोसिटी ही बात कर लेते हैं हम सीधा। जितने भी ये जो टॉप वाला जो लेयर है और जो बॉटम वाला लेयर है, क्या सबकी वेलोसिटी सेम होगी? नहीं। सबसे ज्यादा किसकी वेलोसिटी होगी? टॉप वाले, टॉप वाले की। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होते चले जाएगा, वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। नीचे वाले की वेलोसिटी ऑलमोस्ट रेस्ट में होगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हम फोर्स उस वाले को लिए हैं। तो जहां पर फोर्स लगा रहे हैं उसके साथ में जो कॉन्टेक्ट में जो लेयर होगा उसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, फिर उस लेयर के कॉन्टेक्ट में दूसरा लेयर जो होगा उससे उसकी थोड़ी सी कम वेलोसिटी होगी। इस तरह से वेलोसिटी जो है कम होते होते जो बॉटम में जो है वो ऑलमोस्ट रेस्ट में रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सबको, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो अब इसी तरह से, ठीक है, हम लोग एक ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है कई बार, एक आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ठीक है, जस्ट मैं आपको ऐसे बस ये समझा रहा हूँ, आप लोग इमेजिन कीजिएगा ऐसा मोशन कहाँ पे होता होगा किसी लिक्विड का। जैसे सपोज पानी है ये, ठीक है, पानी में ये बिल्कुल, ये जो बीच वाला जो पानी का लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, उससे कम वेलोसिटी उसके ऊपर और सबसे कम यहाँ पर हो गया, उसी तरह से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, उसी तरह से नीचे वाला लेयर में भी जो ऐसे कम हो रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस चीज में ऐसा जो है मोशन होता होगा। ये देखिए, दो ग्लास प्लेट्स में मोशन जो है पार्टिकल्स का या लिक्विड का इस तरह से हो रहा है, वेलोसिटी धीरे 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 इंक्रीज हो रही है। इस केस में बताइए ये किस चीज का एग्जाम्पल होगा, ये इमेजिन करिए कि सेंटर में जो, हाँ
बोलिए। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो बुक लेके बैठे होंगे वो तो तुरंत ही सोच लेंगे, बस उसको यही वाला पेज पलटना है, नीचे लिखा हुआ है, दिख जाएगा। पाइप मिल गया, सोचना नहीं पड़ा। यहाँ लिखा हुआ है ना, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विस्कस फ्लो इन अ पाइप। तो पाइप के केस में आप सोचिए ना, जस्ट इमेजिन ये एक पाइप है, ठीक है। तो पाइप में ये इसके साथ ये क्या है, अटैच्ड है। जब इसके थ्रू लिक्विड फ्लो करेगा तो बीच वाला एकदम बिल्कुल फ्रीली मूव करेगा, फिर ये सरफेस से जो कॉन्टेक्ट में है वो वाला इसका स्पीड कम होगा। तो जैसे जैसे बीच में जाते जाएगा स्पीड ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा यहाँ पर मैक्सिमम, फिर सरफेस पे जाने लगा है धीरे धीरे, तो कम 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 होते होते जीरो हो जाएगा। समझ में आया ये फ्लो कि नहीं समझ में आया? अरे बोलो। आ गया सर। आ गया, ठीक है, चलिए। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आपसे एक चीज पूछता हूं मैं, जैसे सपोज ये एक आपका कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर में हमने पानी भर दिया, ठीक है, इसके अंदर में हमने पानी भर दिया, और इसमें एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसकी स्पीड को, इस बॉल को इस लिक्विड के अंदर में जाने की स्पीड को जो है आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अभी इसके अंदर में क्या है, फर्स्ट सिचुएशन में वाटर है, सेकंड सिचुएशन में आपको हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ऑयल ले लेते हैं, और थर्ड सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हनी ले लेते हैं। हनी आप लोग को पता है। तो आप बताइए, क्या तीनों सिचुएशन में ये बॉल जो है तीनों बार में सेम स्पीड से नीचे जाएगा या अलग अलग स्पीड से जाएगा? नो सर, सेम अलग अलग स्पीड से, अलग अलग सेम स्पीड से आएगा। कौन बोल रहा है सेम स्पीड से? अलग अलग, अलग अलग स्पीड से आएगा, ठीक है। सबसे आसानी से, सबसे तेजी से किसमें आएगा? वाटर, वाटर, वाटर में। और सबसे धीरे धीरे किसमें? हनी। मतलब आप क्या समझ रहे हैं इस बात से, ऐसा क्यों हुआ? डेंसिटी, डेंसिटी, क्या डेंसिटी? वाटर का डेंसिटी, विस्कोसिटी। वाटर का क्या डेंसिटी, क्या मतलब? तो हनी का डेंसिटी ज्यादा ज्यादा था इसलिए उसमें धीरे गया, और वाटर का कम था इसीलिए उसमें फास्ट गया। अच्छा, डेंसिटी की वजह से ऐसा हुआ? नो सर, सही कहना है सर, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी सर अगर कम होगा तो वो ज्यादा मतलब नहीं जाएगा स्पीड से। विस्कोसिटी कम होगा तो ज्यादा नहीं जाएगा स्पीड से, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए सीधी सी बात है, आप लोग बहुत ज्यादा या तो एकदम बिल्कुल अलग आंसर देते हैं या तो बहुत हाई फाई देते हैं। तो हाई फाई देने वाले लोग क्या, विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी को एक अपोजिंग फोर्स बोल सकते हैं भाई? वही तो बात है, मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है ना वो चीज, आप लोग अपने मन से बोल रहे हैं, ठीक है। विस्कोसिटी कहाँ से पढ़ लिया आप, ठीक है, और पढ़े हैं आप कहीं और से, तो आपको उसके बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। अभी किसी बच्चे ने बिल्कुल गलत आंसर दिया, विस्कोसिटी बात सही है लेकिन उसका आंसर गलत था, उसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है उसको। देखिए आप लोग इधर उधर से पढ़ते तो हैं लेकिन क्या होता है कि सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं या तो भूल जाते हैं पढ़ के। देखिए ये यहाँ पर जो है ये अलग अलग स्पीड से जाने का मतलब है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ये अलग अलग फ्लूड्स जो है, लिक्विड जो है, इस पे अलग अलग तरह का फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, अपोज कर रहा है उसके मोशन को, है ना। जैसे एयर में कोई भी चीज होता है उसको मोशन को अपोज करता है, या रोड पे करता है, सॉलिड के बीच में करता है, उसको हम लोग सॉलिड वाले केस में अलग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। एयर वाले केस में एयर फ्रिक्शन बोलते हैं। लिक्विड के केस में या फ्लूड के केस में
इसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग, समझ में आया। जो किसी भी लिक्विड में अगर कोई भी अपोजिंग फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स, ठीक है, समझ गए। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स आर नॉट आइडियल वंस एंड ऑफर सम रेसिस्टेंस टू मोशन, जितने भी फ्लूइड्स हैं वो मोशन को क्या करेगा, उसके अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, एंड दिस रेसिस्टेंस टू फ्लूइड मोशन इज लाइक एन इंटरनल फ्रिक्शन एनालॉगस टू फ्रिक्शन व्हेन अ सॉलिड मूव्स ऑन अ सरफेस। जब कोई भी एक सरफेस पे कोई दूसरा सॉलिड अगर मूव कर रहा है तो उस समय में जो फ्रिक्शन होता है उसी तरह से यहाँ भी एक फ्रिक्शन होता है, एंड दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी, यानी फ्लूइड फ्रिक्शन को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। एंड दिस फोर्स एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड, ये तब होगा जब दो लेयर्स ऑफ द लिक्विड के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा उसके अंदर में, अगर हमने बॉल को डाला नहीं होता तो फ्रिक्शन नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें लिखी हुई है, वही सपोज वी कंसीडर अ फ्लूइड लाइक ऑयल इनक्लोज बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स, जो भी आपको मैंने बताया, ठीक है। उसमें जो जो लेयर of the liquid in contact with the top surface moves with velocity v and the layer of the liquid in contact with the fixed surface is stationary, yani jo bottom wala hoga wo zero velocity hoga, theek hai, samajh gaye, aur upar wala ki velocity sabse zyada hogi, theek, aur jab bhi koi bhi liquids agar layers mein flow karta hai us type ke flow ko hum log kya bolte hain, laminar flow, theek hai। This type of flow is known as laminar flow because the fluid here flows in layers, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो अभी आपने देखा फिगर, ये किसका है, ये सारे देख रहे हैं, ये लेयर्स में इस तरह से फ्लो करते हैं, और लेयर में जो भी कोई फ्लूड फ्लो करता है उस टाइप के फ्लो को हम लोग लेमिनार फ्लो बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लोस में ये आएगा, ठीक है, समझ गए। okay. So the when fluid is flowing in a pipe or tube, ये पाइप और ट्यूब वाला भी बता दिया, then velocity of liquid layer along the axis of the tube is maximum and decreases gradually as we move towards the walls where it becomes zero, ठीक है, मतलब along the axis होगा maximum, फिर जैसे जैसे walls की तरफ जाएगा तो zero हो जाएगा, ठीक है, वही बात लिखी है। and the velocity on a cylindrical surface in a tube is कांस्टेंट, कोई भी अगर सिलेंड्रिकल सरफेस है ट्यूब है तो उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। चलिए अब ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। तो हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें इस वाले फिगर को अब एक्सप्लेन करते हैं। ये पेपर में आपको 3 मार्क्स का डेरिवेशन आता है जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है। देखिए तो ये सब समझ में आ गया, विस्कोसिटी क्या है, आया समझ में सबको। अगर किसी भी फ्लूड के अंदर में रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो उसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, और जो फोर्स लग रहा था फ्रिक्शनल फोर्स उसको हम लोग विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत यहां तक, विस्कोसिटी समझ में आया सबको। वो कुछ नहीं है, विस्कोसिटी कुछ नया नहीं है, वो जो सॉलिड में फ्रिक्शन होता है वही फ्लूइड में जो है विस्कस होता है, विस्कस फोर्स होता है बस। चलिए हम लोग अब क्या कर रहे हैं, इसमें ये जो लेयर था अभी इस तरह से था, हमने इसके ऊपर में टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है शेप चेंज होगा इसका, हम लोग मालूम है पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, अगर हम लोग किसी भी सरफेस पे टेंजेंट के अलोंग अगर फोर्स लगाते हैं तो वहां पर कौन सा स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, कौन सा स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। वाह, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये कौन बोला भाई, टेंजेंशियल स्ट्रेस पैदा हो गया आज, बल्क मॉडुलस, मतलब इतने महान महान लोग हैं ना, एकदम गजनी के आप लोग गुरु हैं, आप लोगों ने ऐसा लगता है गजनी को ट्रेनिंग दी होगी। अभी 2-3 दिन पहले चैप्टर खत्म हुआ है, टेस्ट हुआ है उसका और सब खत्म,
क्या करते हैं पता नहीं, जो टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट जब फोर्स लगाते थे, जो एग्जांपल भी दिया था आपको कि बुक है, बुक में अगर आप, या सिलेंडर था, सिलेंडर में हम लोग ऐसे अलोंग द टेंजेंट फोर्स लगाते थे तो सिलेंडर का पोजीशन ऐसे शेप चेंज हो जाता था, ठीक है? तो कौन सा होता था बोलिए? शियर मॉडुलस, ठीक है, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब उसमें स्ट्रेस कौन सा होगा, शियर स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेन कौन सा होगा, शियरिंग स्ट्रेन होगा, याद है ना? ठीक है, शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बकवास कर रहे थे, तो यहाँ पर जब हम लोग ये किए तो इसका जो है लिक्विड कॉलम जो था अभी जब ऐसे था, अब वो लिक्विड कॉलम कैसे हो गया, अपना शेप चेंज कर लिया, इस तरह से हो गया, नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा, ऊपर वाले का जो है लेयर मूव कर जाएगा, इस तरह से शेप चेंज कर लिया। आई बात समझ में सबको या नहीं आई? तो इसमें रिलेटिव, मतलब दोनों इसके सरफेसेस के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते थे, डेल्टा एक्स। ये डिस्टेंस कितना हो गया, डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये तो एल था ही, तो अगर ये आपका क्या बोलते हैं थीटा है, ठीक, तो टेन थीटा या थीटा दोनों बराबर ही होता है, तो दिस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस थीटा को कौन सा क्या बोलते हैं हम लोग, मालूम है इस थीटा को क्या बोलते हैं? जय माता दी, क्या बोलते हैं थीटा को? एंगल। एंगल, वाह, मतलब नो सर, इतने बड़े बड़े महान सब है ना इस देश में हस्ती, कोई नहीं बता पा रहा है। मतलब आप लोग टेस्ट में चीटिंग करते हैं क्या फुल? थीटा क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, वाह रे वाह, थीटा डिस्प्लेसमेंट है। इधर ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन पोजीशन, और अपॉन में क्या है, लेंथ, अपॉन में क्या है, लेंथ। क्या होता है इस रेशियो को क्या बोलते हैं, शियर, शियरिंग स्ट्रेन, शियर, शियरिंग स्ट्रेन, और वो टेन थीटा के बराबर होता था, उसी को थीटा लिखते थे, बस यही तो पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये शियर स्ट्रेन है, बस समझ गए। अब देखिए इसी में अगर हम क्या करें, यहाँ पर डेल्टा टी से डिवाइड कर दें या टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है, या डेल्टा टी या टाइम जो भी है, इधर भी कर दें और इधर भी कर दें, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है, वी अपॉन में एल। नहीं समझे, लोग पढ़ चुके हैं ना, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, तो इट बिकम्स वेलोसिटी अपॉन लेंथ, ठीक है, समझ गए। और इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रेन रेट। ये तो था स्ट्रेन था थीटा, और उसमें टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, स्ट्रेन रेट। आई बात समझ में सबको या नहीं आ रही है? अरे बोलो। स्ट्रेन रेट, ठीक है। देखिए ये टॉपिक आप किसी और जगह से नहीं पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ, सब जगह गंदे फंदे तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेन रेट समझ में आया सबको? यस। अब तक में तो लोग खा पी के एकदम तनातन हो जाते हैं, आप लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, सब भूखे प्यासे हैं क्या सुबह से? आप लोगों की ये हालत है, मैं 8 से 10 जो है 2 घंटे क्लास लिया हूँ, फिर भी मैं पढ़ाया जा रहा हूँ। अभी 12th वाले की क्लास भी खत्म हुई, फिर आपकी शुरू हुई है, फिर भी मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, और आप लोग सुबह से बैठे हैं फिर भी जो है कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। गुड। चलिए तो अभी कहाँ थे हम लोग? तो स्ट्रेन रेट समझ आ गया। चलिए अब यहाँ पर स्ट्रेस जो होगा वो आपका, ये फोर्स अगर लग रहा है यहाँ पर, हम लोग जो फोर्स अप्लाई किए तो फोर्स अपॉन में इसका कुछ जो एरिया होगा, ठीक है, वो होगा।
तो और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जो है हम लोग उसको वी मान लेते हैं। इस चीज को आप समझिए, यहाँ से आपका इसका डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ लिक्विड विच एट सम इंस्टेंट हैज अ शेप ए बी सी डी। अभी इसका शेप कैसा था, ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से, ओके। एंड आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, ठीक है, अच्छा सॉरी, इट टेक द शेप ए ई एफ डी। इसका शेप कैसा हो जाएगा, अब देख लीजिए, ए ई एफ डी, है ना, ऐसा शेप बन जाएगा। तो कब, कितनी देर में, है ना, आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल द लिक्विड हैज अंडरगोन अ शियर स्ट्रेन ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन एल। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? सिंस द स्ट्रेन इन फ्लोइंग लिक्विड या फ्लूड इंक्रीजेज विथ टाइम कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि स्ट्रेन जो है आप देख रहे हैं ये डेल्टा एक्स, ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये डेल्टा एक्स छोटा है या बड़ा है, ये भी एक बार डेल्टा एक्स होगा, ये भी डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। तो ये जो डेल्टा एक्स है वो हर हमेशा चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, इसलिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी किया हमने, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी हो जाएगा अपॉन में एल, ठीक है, तो उसी को लिखा है। अनलाइक अ सॉलिड हियर द स्ट्रेस इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली टू डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। जैसे सॉलिड में स्ट्रेस जो होता था, सॉलिड के अंदर में आपको स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता था, याद है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहां से आया था ये मालूम है किसी को, सॉलिड में? यस सर, हुक्स लॉ, ठीक है, हुक्स लॉ था। तो यही चीज लिक्विड के अंदर में, सॉरी फ्लूइड के अंदर में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट हो जाता है, यानी इसी स्ट्रेन में टाइम से डिवाइड करना पड़ जाता है, ठीक है। सो ये देखा गया है कि स्ट्रेस इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली टू डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन या स्ट्रेन रेट, दैट इज वी अपॉन एल, ठीक है, इन स्टेड ऑफ स्ट्रेन इटसेल्फ, ठीक है। तो अब इसी का जो रेशियो होगा, ये दोनों क्या हो गया, प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेस और डिवाइडेड बाई, है ना, या फिर इज इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, सम कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटने के बाद इक्वल टू और सम कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ईटा। ये जो देख रहे हैं ना, इस तरह से एन बना के स्टाइल मार देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईटा, ई टी ए, ठीक है। तो दिस ईटा इंटू में स्ट्रेन रेट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेन रेट है वो कहाँ चले जाएगा, यहाँ आ जाएगा, स्ट्रेन रेट यहाँ पर आ जाएगा। तो ईटा किसने के बराबर हो गया, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रेट। किसी को नहीं समझ आया, अरे बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर, फिर से समझाना है क्या? यस सर। देखो मैं बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो फ्लूइड के अंदर में ये देखा गया कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के नहीं है, किसके है, स्ट्रेन, स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल का साइन को आप क्या करेंगे, हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो किसका साइन आता है, इक्वल टू का साइन आता है, आता है कि नहीं, हाँ अरे ये मालूम है कि नहीं आप लोगों को ये सब बात, यस। तो इक्वल टू का साइन आएगा और उसके साथ में एक एक कांस्टेंट आएगा, है ना, दैट इज कॉल्ड ईटा, ठीक है। नहीं समझे अभी भी? आ गया सर। हाँ, तो यहाँ से आप देखिए ईटा किसके बराबर हो गया, और यही ईटा जो है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज कॉल्ड, तो आपको यही पेपर में क्वेश्चन आएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑन अ फ्लूइड, ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। तो ईटा यहाँ से आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका, अब ये फॉर्मूला कितने के बराबर हो जाएगा, ईटा कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई, बोलो, स्ट्रेन रेट डिवाइडेड बाय इनटू रेट, स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट। अच्छा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, स्ट्रेस का फॉर्मूला अपॉन एरिया, स्ट्रेस की जगह यहां क्या लिखा, फोर्स अपॉन एरिया,
और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रेट अभी हमने निकाला था, दैट इज वी अपॉन एल। एग्रीड? बोल दो ना थोड़ा सा। तो यहाँ से आप देखिए, ये जो ईटा है वो कितने के बराबर हो गया, दिस फोर्स और अपॉन में एरिया इन अपॉन वी अपॉन एल, तो एल ऊपर चले जाएगा, एफ एल अपॉन ए बी। एग्रीड? यस सर। एफ एल अपॉन ए बी। यहाँ पर ये जो है मेरा थोड़ा हाई फाई बुक है, इसमें स्टाइल मार के ये लिखा नहीं है तो मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है, ठीक है, मिसिंग है, पता नहीं है कहाँ से बुक डाउनलोड कर लिया हूँ मैं। सो दिस ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए वी अपॉन एल एफ एल अपॉन में ए वी, एंड दिस ईटा इज कॉल्ड एस आई यूनिट, क्या बोलता है, दिस ईटा इज कॉल्ड कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ये है ना, प्रोनाउंस एज ईटा, ठीक है, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, and this it is defined as the ratio of shearing stress to the strain rate. Clear? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? No sir. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इसका जब ये याद कीजिए हम लोग जब अरे क्या हो गया तो स्ट्रेन याद कीजिए, जब फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डायमेंशन की बात करते थे तो वहां पर हम लोग को ये ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आता था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये आज मैंने बोला था सब सारे टर्म के लिए एक चैप्टर में अलग से टॉपिक दिया हुआ है, वहां पर सीखेंगे, तो देखिए आज ये सीख रहे हैं हम लोग। तो अब इसको आप लोग वो इसका डायमेंशन निकालने के लिए पुट कर दीजिएगा, स्ट्रेस का आपको पता ही चल चुका है, स्ट्रेन रेट का पता ही चल चुका है, पुट कीजिएगा, खत्म हो गया काम, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकल जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं एसआई यूनिट की, ठीक है। तो एसआई यूनिट में आप खुद से अंदाजा लगाइए क्या बनेगा, ये बताइए अंदाजा क्या लगाना, कैलकुलेट कीजिए। देखिए फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। ये देखिए ये लेंथ है और ये एरिया है, तो लेंथ और एरिया में से एक तो मीटर नीचे आ जाएगा, है ना, और ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, ऊपर में क्या हो गया न्यूटन, और डिवाइडेड बाय एक हो गया मीटर पर सेकंड और एक है मीटर, है ना, तो ये बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऊपर चले गया मीटर इंटू मीटर पर मीटर स्क्वायर, है ना, और पर सेकेंड, है ना, तो इट बिकम्स न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड नीचे कैसे होगा, सेकेंड ऊपर जाएगा ना, मीटर पर सेकेंड है तो सेकेंड ऊपर चले जाएगा, सॉरी, सो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोलते हैं इंटू में सेकेंड, ये भी समझ आ गया। तो इसकी यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या पास्कल सेकेंड, या इसका जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइजुले, पॉइजुले इसको डिनोट करते हैं पी एल से, कैपिटल पी और स्मॉल एल, दिस इज पॉइजुले, ठीक है, बिकॉज दिस वॉज डिराइव्ड बाय साइंटिस्ट नेम पॉइजुले, ठीक है, तो उसी के नाम से ये पढ़ा। समझ आया सबको या नहीं आया ये बताइए। अरे कुछ तो बोलो। यस अच्छा अब आप ये बताइए कि आपको दो लिक्विड दिया, एक दिया थिन लिक्विड, एक दिया थिन लिक्विड, और दूसरा कैसा देंगे, कैसा, थिक, थिन का उल्टा नहीं मालूम है, थिक, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो एक थिन लिक्विड है और एक थिक लिक्विड है। अब आप बताइए दोनों में से किसकी कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगी, किसकी कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगी। जय माता दी। थिन पर नहीं बताएंगे आप, कुछ भी पूछ लो। अरे सीधी सी बात है, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी उसकी कम होगी जो कम फोर्स लगाएगा, कम विस्कस फोर्स लगाएगा, कम फ्रिक्शन लगाएगा। अरे हाँ या नहीं? यस यस सर। तो जो थिन वाला होगा, थिन वाले की कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगी, कम होगी,
अर्थिक की कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा ज्यादा होगी। तो अब आप बताइए वाटर को किसमें रखेंगे, ज्यादा वाले में या कम वाले में? वाटर हो कम गया, ऑयल हो गया, तो वाले में जनरली इसका डायमेंशन दिया, जनरली थिन लिक्विड लाइक वाटर अल्कोहल आर लेस विस्कस देन थिक लिक्विड लाइक कोल टार ब्लड ग्लिसरीन इत्यादि। ठीक है चलिए, उसके बाद ये सब मैं दे रखा है। देखिए कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर का इतना होता है, ठीक है, ब्लड का इतना होता है, सबका अलग अलग दिया हुआ है ना। तो इसको आप लोग मजे मजे में पढ़िएगा जब मर्जी करेगा, मेरे को नहीं आता है सब। अब कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी जो है टेम्परेचर से कैसे डिफर करता होगा, मतलब डिपेंडेंट होगा, ये सोचिए। जस्ट इमेजिन कीजिए एक लिक्विड है, ठीक है, वाटर ही है सपोज, ठीक है। अभी इस वाटर में हम एक बॉल को डाल रहे हैं, बॉल को छोड़ देते हैं, ये हनी ले लेते हैं इसमें, ठीक है। हम इसमें हनी डाल देते हैं और यहाँ से एक बॉल को गिराते हैं, ठीक है। इस बॉल को मीठा करना है, ठीक, बहुत खट्टा हो गया। इस बॉल को क्या करना है, मीठा करना है। इसमें हम लोग हनी जैसे ही डालेंगे, ठीक है, हनी में इस बॉल को जैसे ही डालेंगे, ठीक है, तो उस समय में ऑब्जर्व करेंगे इसके गिरने का रेट, और फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यानी कि हीट दे देंगे, गर्म कर देंगे, और उस समय में दोबारे से बॉल को गिराएंगे। आपको कब लग रहा है कि ज्यादा बॉल तेजी से गिरेगा, बताइए। जब हीट कर देंगे। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। जब इसको हीट करेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, दूर दूर भागेंगे एक दूसरे से, है ना। तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स के बीच का कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी यानी जो फ्रिक्शन करने का, इसका अपोज करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, तो ये जो बॉल है तेजी से नीचे गिरेगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, द कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजेस या इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोलिए, डिक्रीज या इंक्रीज, टेम्परेचर के बढ़ाने से कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? डिक्रीज डिक्रीज यस वेरी गुड, ये यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, देखिए। हाँ, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, है ना, वाइल इट इंक्रीजेज, क्या पढ़ लिया मैं, हाँ, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, ठीक है, हाँ सही तो है, ठीक। मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, एंड किसमें, लिक्विड के केस में, बट गैस के केस में, हाँ यही बताने वाला था, बट इट इंक्रीजेज इन द केस ऑफ गैसेस। गैस में ये ऐसा नहीं होता है, गैस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। कारण वही इंटर मॉलिकुलर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैसेस के मॉलिक्यूल्स कोलिजन ज्यादा होते हैं, कोलिजन ज्यादा करेंगे तो कोलिजन की वजह से उनके अंदर का जो है ना फ्रिक्शन है, मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और मतलब डेंसिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी, मीन्स वो क्या करने लग जाएगा, है ना, इंक्रीज होने लग जाएगा, फ्रिक्शन करेगा, ज्यादा अपोज करेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये था आपका कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके एग्जांपल है 10.9, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अच्छा लगेगा समझने में। समय की कमी की वजह से मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। एक आध टॉपिक और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, 10-20 ग्राम, कहाँ गया, पास्कल्स लॉ तो हो गया खत्म। स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, ये आपकी बुक में एक्चुअली नहीं दिया हुआ है, कि जो हम लोग एक फ्लूड जो होता है, फ्लो फ्लूड्स, ठीक है, उसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक कोई भी आइडियल फ्लूड क्या होता है, व्हाट इज एन आइडियल फ्लूड, ठीक है, ये बात पूछा जाता है, व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड। मालूम है किसी को, किसको आप आइडियल बोलेंगे? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्लूइड? तो इसके जो है चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, कितने, चार। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, इट मस्ट फ्लो स्टीडीली, या स्टीडी फ्लो होता है, इसका जो फ्लो होगा वो स्टीडी होगा।
स्टेडी फ्लो का मतलब होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, इसका हर एक पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन ये है कि इसकी, एक मिनट को जा रहा है, ठीक है, क्या बता रहा था अभी? हाँ, आइडियल फ्लूड। ठीक है, उसमें सबसे पहला है कि द फ्लूड मस्ट बी, है ना, द फ्लो मस्ट बी स्टेडी, मीन्स हर एक पॉइंट पर उसका वेलोसिटी का जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो। दूसरा पॉइंट है कि इट द फ्लो मस्ट बी इन, द फ्लूड मस्ट बी इनकॉम्प्रेसिबल। ठीक है, इन मतलब उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होगा? वो तो हो ही गया, इन जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते उसको इनकम्प्रेसिबल बोलेंगे। और कुछ उसके, उसका आप मेन थीम निकाल सकते हैं क्या हो रहा होगा इनकम्प्रेसिबल का मतलब? देखिए एक चीज बताइए, ठीक है, ये एक लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस पाइप के अंदर में, सपोज इस ट्यूब के अंदर में लिक्विड फ्लो कर रहा है, और अगर हम इसको कंप्रेस कर दें, ठीक है, इस लिक्विड को अगर हम यहाँ, अभी इसका वॉल्यूम इतना है और इसी लिक्विड को अगर हम कंप्रेस कर दें, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा ये बताइए? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा, डेंसिटी पहले से ज्यादा हुई या कम हुई ये बताइए? ज्यादा हो गई। ठीक है, पहले तो कम थी ना डेंसिटी, है ना, दूर दूर थे, अभी क्या हो गई, डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, यानी कि और ऐसा लिक्विड जिसको हम कंप्रेस किए, ठीक है, और कंप्रेस करने के बाद भी अभी भी ऐसा ही है, इतना ही डेंसिटी है, डेंसिटी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? वो कंप्रेस ही नहीं हुआ। अगर डेंसिटी मतलब जो जो पोजीशन जिसका जैसा है उसी पोजीशन में रह गया, तो ये जैसे इसको हम कंप्रेस किए और फिर भी ऐसा ही रह गया, इसका मतलब क्या है? उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हुई। नहीं समझे बात को? हाँ, मतलब अगर कोई लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है इसका मतलब यह है कि उसकी डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। एग्रीड और नॉट? यस सर, एग्रीड और नॉट? तो इनकॉम्प्रेसिबल यानी आइडियल फ्लूड उसको बोलेंगे जिसकी डेंसिटी क्या होगी, हर जगह पर हर हमेशा कांस्टेंट होगी, दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, समझ गए? तीसरी बात होती है, हाँ, कोई नहीं होता ऐसा, कोई भी नहीं, कुछ नहीं है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज में अगर आपको आइडियल लग जाता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो आपने उसमें पढ़ा होगा आइडियल गैस, कौन, आपको एक एग्जाम्पल बताइए आइडियल गैस का। कोई एग्जाम्पल है? रियल गैस जितने भी गैसेस हैं सारे रियल हैं, आइडियल गैस कौन सा है बताइए? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कोई है? सल्फर। तब तो आइडियल, उसी तरह से हर एक चीज में आइडियल होता है, आइडियल स्टूडेंट, आइडियल टीचर। ठीक है कोई आइडियल टीचर? होता ही नहीं है। आइडियल स्टूडेंट होता ही नहीं है। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ जो आइडियल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए कोई एग्जांपल नहीं बता सकता मैं।
ठीक। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जैसे बोलते हैं आइडियल फ्यूल, ठीक है, इजीली अवेलेबल, कॉस्ट मतलब कम कॉस्ट हो, लेस पॉल्यूशन दे, कौन सा होता है? कोई नहीं होता, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ पॉल्यूशन है, सब कुछ ना कुछ महंगा है, इजी टू ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी चीजें होती है, तो आइडियल कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए, सो स्टेडी हो गया, इनकम्प्रेसिबल हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आता है इरोटेशनल। इरोटेशनल का मतलब ये होता है कि उसका जो है एंगुलर मोमेंटम जो है ना फ्लो का, किसी भी पॉइंट पे वो हमेशा जो है चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका कोई भी एंगुलर मोमेंटम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उस पर जो नेट टॉर्क है, इरोटेशनल का मतलब होता है उस पर नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम उसका कांस्टेंट रहेगा या होगा ही नहीं, ठीक है, जीरो होगा या कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और होता है नॉन विस्कस, मींस ऐसा फ्लूड को हम लोग आइडियल बोलेंगे जिसकी कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी जीरो होगी, मींस वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है ना रेसिस्ट ही नहीं करेगा, उसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो वो आराम से उसको जाने देगा। ऐसा कौन सा होता है भाई फ्लूड? लिक्विड तो कोई है नहीं, लिक्विड से भी आसान होता है एयर, एयर भी रेसिस्ट करता है, समझ गए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लो में आपका चार चीज हो गया, कौन सा, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए और नॉन विस्कस होना चाहिए। चारों आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, याद रखना है इसको, क्योंकि बुक में दिया हुआ नहीं है और पेपर में पूछा है, पिछली बार 2 मार्क्स का आया था ये, ठीक है, मैं तो पढ़ा देता हूँ। हाँ, ये उसमें किसी वो रेफरेंस वाली बुक्स में दिया हुआ रहता है, ये एक्सेलेरोटा में भी है दिया हुआ और कहीं कहीं है, तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें जो बाहर से आती है मैं आपको बता दिया करता हूँ। चलिए, अब आती है बात इसमें टाइप्स ऑफ फ्लो में, स्ट्रीम लाइन फ्लो की, ठीक है। तो कुछ टाइप्स फ्लो होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लो होता है, स्ट्रीम लाइन होता है, स्टेडी फ्लो होता है, लेमिनार फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इससे समझ में आएगा क्या, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, देखते हैं शायद इससे थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए आपको। स्ट्रीम लाइन फ्लो, आप लोग स्ट्रीम लाइन शेप का तो मतलब जानते ही होंगे, जैसे एयरक्राफ्ट का जो शेप होता है फ्रंट का, है ना, स्ट्रीम लाइन शेप होता है। बर्ड्स का जो हेड का जो पोर्शन होता है, चीता का जो हेड वाला पोर्शन होता है, ये सब क्या है, स्ट्रीम लाइन है, है ना। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, अ फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी स्टेडी स्ट्रीम लाइन और लेमिनार इफ एवरी पार्टिकल ऑफ द लिक्विड फॉलोज एग्जैक्टली द पाथ ऑफ द प्रीसीडिंग पार्टिकल एंड हैज द सेम वेलोसिटी ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल एट एवरी पॉइंट, ठीक है। मतलब इसकी ये डेफिनेशन ये कहता है कि जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से जितनी भी लिक्विड पास करेगा, ठीक है, अभी जो पास कर रहा है, अभी अभी मान लीजिए ये वाला लिक्विड पास कर रहा है, तो ये अपने पूर्वज, पूर्वज मतलब इसका जो एंसेस्टर, एंसेस्टर उतना दूर नहीं जाना है, जस्ट इससे पहले जो पार्टिकल आगे बढ़ा है उसने जो, उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना, वो सेम होगा। मतलब इस पॉइंट से कोई पास कर रहा है तो जितने भी पार्टिकल्स लिक्विड के या फ्लूइड के पार्टिकल्स पास करेंगे इस पॉइंट से, सबका वेलोसिटी जो है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। वही बोल रहा है, इफ एवरी पार्टिकल ऑफ द लिक्विड फॉलोज एग्जैक्टली द पाथ ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल, उससे जस्ट पहले जो गए हैं उसका पाथ फॉलो करना है, एंड हैज द सेम वेलोसिटी ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल एट एवरी पॉइंट, यानी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए हर पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जितना भी है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं, ठीक है, समझ आया थोड़ा बहुत? यस सर। तो द ऑल पार्टिकल विच पासेस फ्रॉम पॉइंट पी दे ऑल्सो पास फ्रॉम पॉइंट क्यू, जो भी ये, अगर ये मान लीजिए एक पाथ है, ठीक है, तो उस पाथ में अगर कोई भी पार्टिकल जो पी से गुजर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है
ये रास्ता यही है, तो जो पी से गुजरा है उसको क्यू से भी गुजरना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आता है आपका टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो ये टर्बुलेंट फ्लो क्या है, आप इस तरह का ये शेप देख के आप समझ रहे होंगे, जैसे आप कभी चिमनी से निकलता हुआ धुआं देखे हैं। Yes, sir. तो वहां पर आप देखते होंगे इस तरह से जो है फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। उसको पहले मैं पूरा पेज दे देता हूँ, फिर पेन निकलता रहे भागने लग जाता है अपना कुछ है। देखिए ये जो है ना, इसको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं, ये सब जो इस तरह से कर्लिंग होने लग जाता है ना, इन सबको हम लोग बोलते हैं वर्टिक्स, वर्टिसेस, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे जस्ट इमेजिन थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं, आप सपोज मान लीजिए एकदम बिल्कुल तेज हवा चल रही है, हवा चल रही है ज्यादा भी नहीं तेज भी नहीं, मतलब मॉडरेट में, और आप जो है बाइक से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं काफी स्पीड में, और आपके कान के पास में जो हवाएं होती है, ठीक है, उसका आप सोचिए उसका जो फ्लो होगा, कान के पास जो आपके हेड से टकरा के फेस से टकरा के जो हवा कान से गुजर रही होगी, ठीक है, वो हवाएं आपकी ऐसे आ रही थी, टकराई टकराई, उसके बाद फिर है ना किसी, ये एक ऑब्स्टिकल है, ठीक है, जैसे फेस या जो भी है, टकराने के बाद फिर वो जाएगा तो फिर इस तरह से मुड़ना शुरू कर देता है ऐसे करके, ठीक है। तो अगर कभी भी इस तरह का सिचुएशन बनना शुरू हो जाता है वर्टिसेस, यहाँ पे वो वर्लिंग होने लग गया, वर्लपूल जैसे नहीं होता है वर्ल, ठीक है, तो वर्लिंग होना शुरू हो गया, एडीज का फॉर्मेशन होने लग गया, तो ऐसे है ना फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। जैसे मान लीजिए नदी में जो है पानी बहुत तेजी से चल रहा है और एक बड़ा सा पत्थर से आके टकरा गया, तो टकराया तो ये पानी ऐसे इससे टकरा के फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे है ना घूम 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 के आगे बढ़ना शुरू कर देगा, नहीं समझे बात को? अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बोल दो यार, इतना सारा समझ आ गया सर। हाँ, टर्बुलेंट फ्लो इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, द फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी टर्बुलेंट इफ एवरी पार्टिकल ऑफ द लिक्विड इज नॉट फॉलोड एग्जैक्टली द पाथ ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। जो अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल का पाथ फॉलो कर लिया वो स्ट्रीम लाइन हो गया, जो फॉलो नहीं कर पाया वो टर्बुलेंट फ्लो हो गया, ठीक है, बट डिफरेंट पार्टिकल्स फॉलो डिफरेंट पाथ, ये हो गया। एंड द स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द लिक्विड इज कहां था गया इसमें, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। एक क्या होता है, वेलोसिटी की एक लिमिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इस क्रिटिकल वेलोसिटी को अगर पार कर गया तो है ना वो कहला जाएगा टर्बुलेंट, और उसके पहले अगर है तो कहलाएगा कौन सा स्टेडी फ्लो, या क्या बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। तो आप देखिए एग्जांपल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो में, टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल देख लीजिए जल्दी से। आपको यहाँ पर आफ्टर राइजिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस स्मूथ कॉलम ऑफ स्मोक फ्रॉम अ इंसेंट स्टिक ब्रेक्स इनटू इरेगुलर, है ना। हाँ, ये जो अगरबत्ती होती है उसमें भी देखते होंगे अगरबत्ती की जो का जो धुआं निकलता है वो भी थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद फिर चारों बगल फैलना शुरू कर देता है, तो वो भी क्या है, उसका फ्लो टर्बुलेंट है, ठीक है। द फ्लैश फ्लड आफ्टर हैवी रेन, बहुत तेज बारिश हुई उसके बाद फ्लड होता है, वो भी उसका जो पानी है वो बहुत ही खतरनाक स्पीड से जाता है, तो ये सब टर्बुलेंट फ्लो के एग्जाम्पल्स है। उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया था लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो क्या होता है, लेयर्स में होता है, ठीक है, ऐसा फ्लो जो लेयर्स में रहे, ठीक है, उसको हम लोग लैमिनार बोलते हैं। उसमें भी जो है अपने जो प्रीसीडिंग पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो उसको एक्वायर करता है ना, तो ये सारी बातें हैं उसमें। क्रिटिकल डेफिनेशन, क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन, इट ऑफ द लिक्विड कैन बी डिफाइंड एज द दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड अप टू विच फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड, है ना। एक मतलब एक बैरियर है, उस वेलोसिटी से पहले अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन, और उस वेलोसिटी को पार कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट, खत्म। सो क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिसाइडेड बाय, अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी किस पर डिपेंडेंट होता है, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। इसको भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लीजिए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, इसी से रिलेटेड है। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है ना, ये एक प्योर नंबर है, ठीक है, वो रेनॉल्ड्स वाला पेन नहीं है ये, ठीक है, 045। रेनॉल्ड्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने
कुछ एक्सपेरिमेंट्स और ये सब करके है ना एक फॉर्मूले जनरेट किया, और उस फॉर्मूले से उसने ये देखा कि अगर ये नंबर इतने से इतने के बीच में है तो इसको हम लोग इस नेचर का बोलेंगे, इतने से इतने के बीच में तो इस नेचर का बोलेंगे, अभी देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आर ई से डिनोट करते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला जो है ये देखा गया, दिस इज रो वी डी अपॉन ईटा। ठीक है, रो मीन्स डेंसिटी है, वी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी है किसी भी लिक्विड का फ्लूड का, और डी जो है उसका डायमीटर ऑफ पाइप है, जिस पाइप में वो जो है फ्लो कर रहा है उसका वो डायमीटर है। ठीक है, समझ गए। तो जैसे ये जो पाइप है उसमें या कोई भी लिक्विड है, मतलब कोई भी कंटेनर है उसमें फ्लो कर रहा है, तो उसका जो डायमीटर होगा वो डायमीटर यानी जो डायमेंशन, और ईटा अभी हमने देखा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। ठीक है, इसलिए उसको मैंने पहले पढ़ा दिया, एनसीईआरटी में बाद में दिया हुआ है ये। ठीक है, तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लूइड और वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी है ना, ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है। इन सब को अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो कोई एक नंबर निकलता है, और ये नंबर अगर जीरो से थाउजेंड के बीच हो, कितने से कितने के बीच, जीरो से थाउजेंड के बीच हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रीम लाइन फ्लो। और यही चीज अगर थाउजेंड से टू थाउजेंड के बीच में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ना ही स्ट्रीम लाइन ना ही टर्बुलेंट, इसको बोलते हैं क्या, अनस्टेडी फ्लो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अनस्टेडी फ्लो। और 2000 से ऊपर चले गया तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट। तो देखिए, एक नंबर फिक्स कर दिया किसी भी फ्लो का जो है ना, रेनॉल्ड्स नंबर होता है, जीरो से थाउजेंड के बीच वाले को स्ट्रीम लाइन, 2000 से ऊपर चले गया तो टर्बुलेंट, और 1000 से 2000 के बीच हो गया तो अनस्टेडी। ये जो नंबर है आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, कहीं पे 3000, कहीं पे 2500, कहीं पे 2100 ऐसे लिखा हुआ है। आप सारी बातों को गलत मानिए, इस बात को सही मानिए, क्योंकि ये मैंने आपको एनसीईआरटी से डाटा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, समझ गए। तो एनसीईआरटी में यही इंफॉर्मेशन है, आपको उसी को सही मानना है, 3000-4000 पे नहीं जाना है। ठीक है, याद हुआ सबको ये टर्म्स कि नहीं हुआ? हो गया सर। थोड़ा सा बोल दो, जीरो से थाउजेंड के बीच हुआ तो, जीरो से थाउजेंड के बीच हुआ तो स्ट्रीम लाइन, थाउजेंड से टू थाउजेंड के बीच हुआ तो अनस्टेडी, थाउजेंड से टू थाउजेंड के बीच हुआ तो जय माता दी अनस्टेडी। ठीक है, और 2000 से ज्यादा हुआ तो टर्बुलेंट। ठीक है, ये टॉपिक आपका दिया हुआ है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, जो काफी बाद में दिया है बुक में। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, रो वी डी अपॉन ईटा। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद फिर आपको जो भी मैंने बताया, ये देखिए, आर ई लेस देन थाउजेंड है तो स्ट्रीम लाइन, हाँ लेमिनार भी था उसमें, ठीक है, ये भूलना नहीं है। लेमिनार फ्लो के लिए भी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम होती है, और अगर 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट, और अगर 1000 से 2000 के बीच में है तो अनस्टेडी। ठीक है, और ये जो आर ई इज नॉन एज क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू जो होता है इसका, जो जहां से हमारा, जैसे क्रिटिकल वैल्यू क्या हो गया, जैसे 1000 है उसके पार, इस पार या उस पार, तो वो क्रिटिकल वैल्यू कहलाता है, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है रेनॉल्ड्स नंबर कंप्लीट हो गया। इसमें एक दो बातें और भी है, इस रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग है ना इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं। बस आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है, ज्यादा इसमें डिराइवेशन में नहीं जाना है, या फिर इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये भी आता है। उसके बाद जो टर्बुलेंस होता है, टर्बुलेंट फ्लो में, ठीक है, इट डिसिपेट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट। कभी भी फ्लो अगर टर्बुलेंट हो गया, जैसे मतलब एकदम अचानक से भयानक टाइप का फ्लो हो गया, तो वो जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी, जो उसका स्पीड है, वो लूज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, रेसिंग कार्स, प्लेन्स आर इंजीनियर टू प्रिसीजन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टर्बुलेंस। ठीक है, एंड द डिजाइन ऑफ सच व्हीकल्स इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रायल एरर, ये सब बातें आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका कुछ कुछ टॉपिक इस चैप्टर में खत्म हो गया।
ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाद में बात